ज़कात देना जैसे मर्द पर फर्ज है, औरत अपने माल की, अपने जेवर की, अपने जायदाद की ज़कात देने की पाबंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में दो ख़वातीन आई, एक साहबिया थी और एक उनके साथ उनकी बेटी थी। बेटी के हाथ में दो मोटे मोटे सोने के कंगन थे। आपने पूछा, इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करती हो कि इसकी जगह तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाए? उसने फौरन दोनों कंगन उतारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे डाल दिए कि ये अल्लाह ताला के। इसी तरह से सदक़े की क्या ही बात है। आज सदक़े की बात इसलिए है कि इतनी बड़ी तादाद है ख़वातीन की जिन्हें सदका करना अलाउड नहीं है फैमिलीज में, ख़ासतौर पर जॉइंट फैमिलीज में। कोई सदका करना चाहे तो इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं, कभी लड़की की माँ, कभी दीगर रिश्तेदार उसे ये कहते हैं कि बचत कर लो, अभी बहुत उम्र बड़ी है। कोई ना कोई फलसफा उसे ज़रूर समझाया जाता है जिसकी वजह से वो सदका करने के काबिल ना रहे। साबियात को देखिए कैसे सदका किया करती थी। सैयद आयशा के बारे में हमें ये मिलता है, एक साबिया हजरत जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा के पास आया करती थी। उन्होंने कहा कि हजरत आयशा के पास दो बोरियां भर के माल आया जिसमें दिरहम थे 80,000 या 1,00,000। सैयद आयशा ने दोनों बोरियां तकसीम कर दी। शाम होने से पहले पहले वो उस माल से फारिग हो चुकी थी। सैयद आयशा सदक़े से बहुत रग़बत रखती थी।